प्रिंसेस हमारी सो रही है, ट्रिप का पूरा मजा वही ले रही है, सोते खाते पीते मस्त होके जा रही है। हम भी मजा ले रहे हैं बट ये ज्यादा मजे ले रही है। चलिए मिलते हैं आपको टपकेश्वर मंदिर पहुंच करके, दिखाते हैं वहां का नजारा कैसा है, क्या है उस मंदिर में। और मंदिर तो देखिए आने आने वाले लोग आते ही आते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि हाँ वैसा उसकी प्लेस है जी, ऐसा है वैसा है, भगवान की श्रद्धा है, जिसको श्रद्धा है वो जाएगा। तो चलिए मंदिर पहुंच के मिलते हैं आपसे। सो ये है भगवान श्री टपकेश्वर जी का मंदिर, और ये देहरादून में है, और यहाँ से एंट्रेंस है, और एंट्रेंस पे ही आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी। स्टेयर्स आई थिंक बहुत सारी हैं, और चलिए उतर के देखते हैं कितनी स्टेयर्स हैं। बहुत सारी स्टेयर्स है यहाँ पे, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उतर तो गई हूँ पर रिटर्न में चढ़ूंगी कैसे वापस, बहुत सारी स्टेयर्स है। मायरा कह रही मैं तो चढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो दर्शन आपने कर लिए होंगे, और बस ये हम आगे नीचे नीचे आ गए हैं, यहाँ यहाँ पीछे से नदी बहने जैसा कुछ भी दिखाई देता नहीं है। तो बस हमारे पानी के दो कीड़े पानी में घुस गए वापस से, देखिए इन्हें पानी मिलता नहीं है कि बस पानी में घुस जाना होता है। और ये देखिए जो उसके नाम पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर भी बाहर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स ये है मसूरी की वादियाँ, और यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की ओर मसूरी की ओर। तो चलिए सफ़र को स्टार्ट करते हैं, और अब आपको हम मिलते हैं होटल में चेक इन करने के बाद।
हेलो hey, तो शाम के बज गए हैं, पौने 8 बज चुके हैं और हम पहुंचे हैं मसूरी। और मसूरी पहुंच के बस अभी हमने रूम चेक इन किया है और यहाँ मैं हूँ और यहाँ मायरा है। उसको कुछ ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन है फिर भी उसको गर्मी हो रही है। मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, उसको गर्मी हो रही है। ये देखिए क्या है थी? मुझे हवा मत करो आप। बस थोड़ा सा इनसिक्योर हो गई कि मैंने सर कुछ मुझे पहना है, भूल गई वो चिकन में पनी होते हैं ना। तो बस अभी हमने चेक इन किया है, अब इसके बाद आज थोड़ी सी पार्टी करेंगे। तो मायरा को ये करना बहुत पसंद है, होटल्स के बेड पे जंप लगाना। होटल्स के बेड पे जंप लगाना उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा ये स्प्रिंगी होते हैं ना, तो उसको मज़ा आता है बहुत ही। तो बस थोड़ी सी पार्टी करते हैं और फिर देखते हैं कब यहाँ से हम चेकआउट करेंगे, कब निकलते हैं मसूरी से। और बनी रही ऐसी, अब रात हो गई तो रात को तो कहीं जाना पॉसिबल नहीं है, कल दिन में देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। वैसे हम पहले भी मसूरी कई बार आ चुके हैं तो हम सारा घूमे हुए हैं, बट फिर इस बार आना लाइक ये हम 3 इयर्स के बाद आए हैं। अब 3 इयर्स हो चुके हैं हमें लास्ट आए हुए, तो 3 साल के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे। पहले जो रास्ते थे वो बिल्कुल सुनसान हुआ करते थे, कहीं कहीं जाके कोई पॉइंट हुआ करता था, मैगी पॉइंट बहुत दूर, कहीं पे टी स्टॉल तो काफ़ी दूरी पे हुआ करते थे। बट अभी हमने जो देखा वो ये देखा कि मतलब पूरे रास्ते में बहुत पास पास टी स्टॉल बने हैं, मैगी पॉइंट्स बने हुए हैं और कैफे हैं। तो बहुत रास्ता ना मतलब ऐसा लगा था जैसे कि हम जैसे लग ही नहीं रहा था कि हम मसूरी जा रहे हैं और काफ़ी डिस्टेंस पे, काफ़ी ऊंचाई पे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला क्योंकि जगह जगह पर शॉप्स थी, कैफेज थे, तो समझ ही नहीं आया कि हाँ हमें लगा ही नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ कि हम बहुत लेंदी चढ़ाई कर रहे हैं या थक रहे हैं, हमें फील ही नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे में हम नीचे देहरादून से, 1.5 घंटा लगा होगा अप्रोक्स, 1.5 घंटे में हम ऊपर नीचे से ऊपर आ गए देहरादून से। सो अब आज का तो समझ में आ नहीं रहा कुछ भी, अभी कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद रात बिताएंगे, उसके बाद कल देखते हैं क्या प्लान है, क्या करते हैं कल। तो कल शेयर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आपने तो बोला ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, गुड नाइट। तो मैं खा रही हूँ चिकन राइस, बहुत दिनों के बाद आज मैं चिकन खा रही हूँ क्योंकि इधर उधर सब धार्मिक स्थल थे तो मैं खा नहीं पाई। और पार्टी मेरी हो चुकी है और यहाँ मायरा की देखी पेस्ट्री, तो वो अपनी पेस्ट्री इंजॉय कर रही है। चलिए खाते हैं और सोते हैं, बहुत बड़ों की नींद आ रही है इस वक्त मुझे और मैं थक गई हूँ घूम के। अभी हम माल रोड से घूम के आए तो बस अब खा के सोना है मुझे। चलिए गुड नाइट आपको, बाय बाय, टेक केयर, सब ठीक।